बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम प्रिय स्टूडेंट्स, स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 सेकंड टर्म कंप्यूटर एजुकेशनल ग्रेड 7 सेवन क्लास का ये पेपर आपके सामने आ चुका है। ये वर्जन नंबर 1 है सेकंड टर्म का। ऑब्जेक्टिव आपका वो 10 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। हर एमसीक्यू का 1.5 नंबर होगा, 15 मार्क्स की ये ऑब्जेक्टिव होगी। सब्जेक्टिव 35 मार्क्स का पेपर है। टोटल 50 नंबर मिलेंगे आपको। टाइम 1 घंटा और 30 मिनट दिया जाएगा इसे सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कहा जा रहा है चूज दी सॉफ्टवेयर डेट इज यूज टू क्रिएट गेम एंड एनिमेशन। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए स्क्रैच, इसका दुरुस्त जवाब है। सेकेंड का ऑप्शन नंबर बी 029, इसका दुरुस्त जवाब है। थर्ड का ऑप्शन नंबर ए, फोर का ऑप्शन नंबर बी जोन है वो इसका दुरुस्त जवाब होगा। ऐसे फाइव का ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है। सिक्स का ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब होगा। सेवन का ऑप्शन नंबर बी और एट का भी ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है। नाइन का ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है। टेंथ का ऑप्शन नंबर बी इसका दुरुस्त जवाब है। सब्जेक्टिव तरफ आए तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 के 3 पार्ट देखने को मिलेंगे, जो कि 1-2 नंबर का और 2 जो पार्ट है वो 4-4 नंबर के होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम सिंपलीफाई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन द डेसिमल नंबर सिस्टम। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। अ डेसिमल नंबर सिस्टम इज डिफाइंड एज अ नंबर सिस्टम दैट रिप्रेजेंट अ नंबर विद द बेस ऑफ 10 एंड यूज सिंबल ऑफ सिंबल फ्रॉम 0 to 9। इट इज ऑल्सो नोन एज द हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम इन विच ईच डिजिट एज अ पोजिशन एंड इट्स टाइम टेस्ट टाइम आर सिग्निफिकेंट द प्रीवियस डिजिट। नेक्स्ट मेरे पास है डिफरेंस बिटवीन मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ अ बाइनरी नंबर। 4 नंबर का ही क्वेश्चन होगा और इसका आंसर हमारे पास ये जो बॉक्स हमारे पास मौजूद है ये वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर के अंदर, हमारे पास ये आंसर इसका कन्वर्ट किया हुआ मौजूद है, ये आप लोगों ने लिखना है। नेक्स्ट सवाल नंबर 12 का ए पार्ट दिया गया है राइट एंड 6 एथिकल इशू। 6 नंबर का ये क्वेश्चन होगा और इसके ये जो पॉइंट हमारे पास दिए हुए है ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है जी डिस्कस एनी 2 टाइप ऑफ प्लागरिज्म। प्लागरिज्म की आपने 2 टाइप के बारे में अपने बात करनी है, तो इसका आंसर हमारे पास ये जो 4 लाइनें हैं जो एक बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिल रही है कि आप लोगों ने लिखनी है। नेक्स्ट है डिफाइन बायस डिजिटल मीडिया, नेम एनी 2 टाइप ऑफ मीडिया बायसेस। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास ये 4 लाइनें होगी जिसके अंदर 2 हमारे पास हो गए टाइप और साथ में हमें इसे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन पेमेंट एंड ट्रांसैक्शन। 2 ये आंसर होगा इसके। सबसे पहले हमने पेमेंट के बारे में बताना है और उसके बाद हमने ट्रांसैक्शन के बारे में भी बताना है। डिफाइन वैल्यू प्रोपोजिशन 2 नंबर का ये क्वेश्चन होगा और इसका आंसर हमारे पास ये एक लाइन है, अ वैल्यू प्रोपोजिशन इन मार्केटिंग इन अ कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द बेनिफिट दैट अ कंपनी इज डिलीवरिंग टू कस्टमर्स हु बाय इट्स प्रोडक्ट और सर्विस। हाउ डज द क्वालिटी एश्योरेंस प्ले एन एसेंशियल रोल इन कंपनी इंप्रूवमेंट। 4 नंबर की क्वेश्चन होगा और इसका आंसर हमारे पास ये 4 लाइनें जो होती है ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ये तो मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 कंप्यूटर की ग्रेड 7 सेकेंड टर्म और ये है वर्जन नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 सेकंड टर्म कंप्यूटर एजुकेशनल या मिड टर्म या सेकंड टर्म ग्रेड 7 की जो कि स्टार्ट है कंप्यूटर एजुकेशन वर्जन नंबर 2 आपके सामने ये आ चुका हुआ है। ऑब्जेक्टिव के अंदर 10 एमसीक्यूज देखने के लिए मिलेंगे, 15 नंबर की ऑब्जेक्टिव होगी, हर एमसीक्यूज का 1.5 नंबर होगा। सब्जेक्टिव 35 मार्क्स से होगी। टोटल ये 15 नंबर का पेपर है। टाइम 1 घंटा और 30 मिनट आपको दिए जाएगी इसे सॉल्व करने के लिए। ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे पहले एमसीक्यूज है स्क्रैच इज प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू क्रिएट गेम्स। क्वेश्चन नंबर 2 है द इंटरफेस पार्ट ऑफ स्क्रैच विंडो आर 6। थर्ड का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका दुरुस्त जवाब है। 4 का ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब है। 5 का ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब होगा। 6 का ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है। 7 का ऑप्शन नंबर डी और 8 का ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब है। ऐसे ही 9 का भी ऑप्शन नंबर बी है और 10 का ऑप्शन नंबर डी वेबलॉग इसका दुरुस्त जवाब है। सब्जेक्टिव के अंदर देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमारे पास 3 पार्ट मिलेंगे, 2 4-4 नंबर के और एक पार्ट एमसीक्यू, एक जो पार्ट है वो 2 नंबर का होगा। ये टोटल 10 नंबर का सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो 15 मार्क्स का है और क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो भी 10 नंबर का होगा। तो इनके आंसर्स को हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय ASCII। ASC स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक लाइन का आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन इमेज रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी नंबर सिस्टम।
तो इसका आपने आंसर लिखना है, जो कि हमारे पास ये चार लाइनों के अंदर मौजूद है, ये एक बॉक्स की शक्ल में आपके पास आ जाएगा कि आप लोगों ने लिखना है। एक्सप्लेन साउंड रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी नंबर सिस्टम, तो हमारे पास ये मौजूद है, ये जो चार लाइनें पांच लाइनें हमारे पास दी हुई है ये बॉक्स के अंदर, ये आप लोगों ने इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्रीफली एक्सप्लेन द यूज ऑफ इंटरनेट इन सोशल मीडिया, तो हमारे पास इसका आंसर ये चार लाइनों के अंदर मौजूद है जो कि आप लोगों ने लिखना है। ब्रीफली डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन प्राइवेसी, तो हमारे पास इसका आंसर ये तीन लाइनों के अंदर मौजूद है जो आप लोगों ने लिखना होगा। नेक्स्ट है, पासवर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक, एक्सप्लेन वाई, तो हमारे पास ये पांच नंबर का क्वेश्चन है, तो इसके लिए आंसर हमारे पास ये ढाई लाइनें जो लिखी हुई है ये आप लोगों ने लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन पेमेंट एंड ट्रांजेक्शन, जो कि पिछले वजीर नंबर 1 के अंदर भी आ चुका हुआ है, तो ये हमारे पास चार लाइनें पेमेंट की है और ये जो चार लाइनें ये हमारे पास ट्रांजेक्शन की होगी। डिफाइन द वैल्यू प्रोपोजिशन, दो नंबर का ये क्वेश्चन है, आंसर है अ वैल्यू प्रोपोजिशन इन मार्किंग इन अ कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द बेनिफिट डेटा कंपनी इज डिलीवरिंग टू कस्टमर्स हु बाय इज द प्रोडक्ट और सर्विस। How does quality assurance play an essential role in a company improvement? चार नंबर का ये क्वेश्चन होगा और इसका जो आंसर है वो हमारे पास ये चार लाइनें दी हुई है, ये आप लोगों ने अपने पेपर के अंदर लिखनी है। ये तो मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 कंप्यूटर एजुकेशन ग्रेड 7 का और ये वर्जन नंबर 2 है आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 कंप्यूटर एजुकेशन ग्रेड 7 सेकंड टर्म का ये वर्जन नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। इसके अंदर 10 एमसीक्यूज होंगे, 15 मार्क्स के 1.5 नंबर के एमसीक्यूज है, सब्जेक्टिव 35 मार्क्स का पेपर होगा, टोटली 50 नंबर, टाइम 1 घंटा 30 मिनट दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में देखे तो चूज दिस सॉफ्टवेयर डेट इज यूज टू क्रिएट गेम एंड एनिमेशन, इसका ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है स्क्रैच, और सेकंड का ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका दुरुस्त जवाब है। थर्ड का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 इसका दुरुस्त जवाब है, और 4 का ऑप्शन नंबर सी प्रैक्टिस इसका जो दुरुस्त जवाब है, 5 का ऑप्शन नंबर सी कॉपीराइट, और 6 का ऑप्शन नंबर जो बी है सी आर एम इसका दुरुस्त जवाब है, 7 का ऑप्शन नंबर बी डी वीडियो कॉन्फ्रेंस इसका दुरुस्त जवाब है, 8 का ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब है, 9 का ऑप्शन नंबर बी वेब और एडवर्टाइजिंग, और 10 का भी ऑप्शन नंबर बी इम्प्लीमेंटर इसका दुरुस्त जवाब है। सब्जेक्टिव में देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 के 3 पार्ट है, 12 के भी 3 है, और 13 के 2 पार्ट दिए हुए हैं, तो बारी बारी इनके आंसर को हम देख लेते हैं। अगर आपने इनके आंसर बुक से तैयार किए हुए हैं तो आप वो वाले भी लिख सकते हैं, अदरवाइज जो हमने इसके आंसर बनाए हुए हैं आप वो वाले भी तैयार कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, डिफाइन द डेसिमल नंबर सिस्टम, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे ये दो लाइनें हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ अ बाइनरी नंबर, तो इनका जो आंसर है वो यहाँ पे ये तीन लाइनें भी लिखी हुई है। नेक्स्ट आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर के अंदर, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 का ये पार्ट है, ब्रीफली एक्सप्लेन द यूज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग, तो इसका जो आंसर वो ब्रीफली डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन प्राइवेसी, तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास ये तीन लाइनें दी हुई है। पासवर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक, एक्सप्लेन वाई, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे ये तीन लाइनें दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट के अंदर आपने डेफिनेशन बताने ट्रांजेक्शन और पेमेंट की, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन की भी और पेमेंट की भी डेफिनेशन दी हुई है। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका जो आंसर है हमारे पास ये चार पॉइंट दिए हुए हैं। कंप्यूटर एजुकेशन ग्रेड 4 का वर्जन नंबर जो 4 आपके सामने मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर जो ए है इसका जवाब है, सेकंड का ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है, थर्ड का ऑप्शन नंबर ए बाइनरी नंबर, और 4 का ऑप्शन नंबर सी प्रैक्टिस टॉलरेंस इसका दुरुस्त जवाब है, 5 का ऑप्शन नंबर बी इकोनॉमिक्स ई कॉमर्स, और 6 का ऑप्शन नंबर बी सी आर एम इसका दुरुस्त जवाब है, 7 का ऑप्शन नंबर डी और 8 का ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त जवाब है, 9 का ऑप्शन नंबर बी और 10 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो दुरुस्त जवाब है। सब्जेक्टिव के जो आंसर है वो अगर आप लोगों ने बुक से तैयार किया होता है बुक वाले भी कर सकते हैं, अगर जो हमने आंसर नहीं हुए आप वो वाले भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 11 के पढ़े, डिफाइन द डेसिमल नंबर सिस्टम, तो ये लास्ट वर्जन के अंदर हम कर चुके हुए हैं, डिफरेंस बिटवीन लीस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर ये भी हम लास्ट वर्जन के अंदर कर चुके हुए हैं, ये अपने कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर, तो ये भी हम लास्ट वर्जन के अंदर कर चुके हुए हैं। व्हाट इज मीन बाय रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजनशिप, तो इसका आंसर जो है वो यहाँ पे हमारे पास दो लाइनें हैं। 5 प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड सिटीजनशिप, तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास यहाँ पॉइंट दिए हुए हैं। नेक्स्ट आपने बताना है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग सेफ रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पेक्टफुल ऑनलाइन, तो जिसका आंसर है वो हमारे पास ये तीन लाइनें दी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 के पार्ट है, डिफाइन बिजनेस प्लान, तो इसका आंसर ये दो लाइनें हैं। डिफाइन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे दो लाइनें दी हुई है। एक्सप्लेन एनी 6 सेक्शन ऑफ द बिजनेस प्लान, तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास यहाँ पे 7 पॉइंट दिए हुए हैं।
नेक्स्ट मीटर एजुकेशन का वर्जन नंबर 5 आपको सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए और 2 का ऑप्शन नंबर ए ही दोनों जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए, 2 और 4 का ऑप्शन नंबर बी कॉपीराइट इसका दोनों जवाब है। 5 का ऑप्शन नंबर सी कॉपीराइट और 6 का ऑप्शन नंबर जो सी है अमेज़न इसका दोनों जवाब है। 7 का ऑप्शन नंबर ए ड्रॉपबॉक्स इसका दोनों जवाब है। 8 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो दोनों जवाब है। 9 का ऑप्शन नंबर बी गूगल और 10 का ऑप्शन नंबर बी इंप्लीमेंटर इसका दुरुस्त जवाब है। इसके जो सब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन है अगर आप लोगों ने बुक से तैयार किए हुए आप वो वाले भी कर सकते हैं, अदरवाइज जो हमने आंसर इसके बनाए हुए आप वो वाले भी कर सकते हैं। तो पहले व्हाट इज मीन बाय ASCII, तो इसका आंसर हमारे पास एक लाइन दिया हुआ है, एक्सप्लेन इमेज रिप्रेजेंटेशन एंड बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे ये 4 पॉइंट दिए हुए है, एक्सप्लेन साउंड रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी नंबर। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 का ये पार्ट है, राइट एनी 5 फ्री ऑनलाइन इंटर्नशिप रिसोर्स। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब कॉपीराइट, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं। 5 आपने मिस यूज बताने कंप्यूटर रिसोर्स के, तो वो भी हमारे पास ये 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। डिफाइन प्रमोशन, तो प्रमोशन के लिए हमारे पास ये एक लाइन दी हुई है। और 4 टाइप ऑफ प्रोपोशन यूज टू बोस्ट बिजनेस, बोस्ट बिजनेस, तो इसका जो आंसर है यहाँ पे हमारे पास 7 पॉइंट दिए हुए हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन वैल्यू प्रोपोशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस, तो इसका जो आंसर हमारे पास ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं। ये मेरे पास कंप्यूटर एजुकेशन ग्रेड 7 का वर्जन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5।